मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आजकल के कुछ नौजवानों में नशे का कारोबार और नशा करने की लत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब तक कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 8 किलो अफगान चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए इंटरनेशनल बाजार में बताई जा रही है। नशे का कारोबार करने और नशा करने वालों पर थाने पुलिस की कार्रवाई तेज है, और ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली कि थाने के माझीवाड़ा जंक्शन पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थों के साथ आने वाला है। पुलिस ने यहां पर घेराबंदी कर अभय परशुराम पागघरे 43 वर्षीय को पकड़ लिया है। शिवराज पाटिल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है, उसमें लगभग 8 किलो चरस इसमें पकड़ा गया है और उसकी लगभग कीमत है 80 लाख रुपए। हमने पाया है कि जो थाना पुलिस आयुक्तालय में जो कोई अमली पदार्थ विरोधी जो कार्रवाई चल रही है, माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर के मार्गदर्शन पे यहाँ पे जो अमली पदार्थ की सेल वगैरह हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश थे, उसके हिसाब से क्राइम ब्रांच हो या लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसमें यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़के और उनकी टीम ने ACP डिटेक्शन 1 नीलेश सोनोने साहब इनके मार्गदर्शन में एक ट्रैप आयोजित किया था। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि एक आरोपी चरस लेके पालघर से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो उसके तहत उन्होंने माझीवाड़ा जंक्शन पे उसको ट्रैप किया गया। तो उसको अरेस्ट करते वक्त उसके पास लगभग 8 किलो और 82 ग्राम्स वजन का ये पूरा चरस वहां से बरामद हुआ। इसकी लगभग कीमत 80 लाख रुपए है और ये जो चरस जो जब्त हुआ है, बरामद हुआ है, ये कहां से आया और कहां पे ये बेचने के लिए जा रहा था, इसका पूरा भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है। तो उसके हिसाब से जो भी आरोपी इसमें निष्पन्न होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अच्छा काम ये जो NDPS के कार्रवाई के जो चल रही है उसमें यूनिट 5 ने किया है। ये जो आगे जाके इसके पहले भी NDPS के कार्रवाई थाने आयुक्तालय में चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। और ये जो अभी जो प्रोडक्ट मिला है उसके जो पैकिंग है वो कुछ अफगान प्रोडक्ट करके उसके अंदर पाए गए हैं, तो ये भी कहाँ से पैकिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, ये कहाँ से माल आया था, तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे जाके इसमें और आरोपी निष्पन्न होने की आशंका है। सर, एक लोगो उसमें पाया गया स्टारबक का, जिस तरीके से स्टारबक को हम देखते हैं कि कॉफी के बड़े पैमाने थे, तो उसका जो लोगो इसमें उसके क्या कनेक्शन उसको लेकर? निश्चित रूप से ये जो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी को कंसील होने के लिए ये कुछ भी प्रोडक्ट का नाम यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये किया है ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के पैकिंग के अंदर ये पैकिंग डाल के ये जो प्रोडक्ट है NDPS का चरस है वो अंदर डाल के इन्होंने ट्रांसफर किया है ऐसा लग रहा है। तो इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये पैकिंग कहाँ से मिले और कहाँ पे इसका पैकिंग हुआ है। आरोपी का बैकग्राउंड है? आरोपी अभी तो हमने जो इंट्रोगेशन किया है आरोपी का, बाकी उसके ऊपर कुछ गुनाह दाखिल है ऐसा अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन उसका भी हम छानबीन कर रहे हैं। ये लोकल जो गांव है कोस्टल एरिया में उधर का रहने वाला ये प्रॉपर ये आरोपी है, लेकिन बाकी उसके ऊपर कुछ एंटीसीडेंट्स नहीं है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम। अगर बाकी अगर उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो गए तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई उसके ऊपर। मुंबई में किसे बेचने वाला था कुछ अब तक कुछ जानकारी? वही इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, आगे जाके वो किसको बेचने वाला था ये भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा और वो भी जो कोई आरोपी रहेगा उसको भी हम कार्रवाई। इसके अलावा कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत मैंने पहले बताई कि 8 किलो का चरस है, 8 किलो 82 ग्राम्स ये वजन है उसका, और इसका 80 लाख लगभग इसका प्राइस है मार्केट में।